नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं गूगल फूड डिलीवरी के बारे में। जी हाँ, अब गूगल भी इंडिया में फूड डिलीवरी में एंटर करने वाला है और उनकी ये प्लानिंग है। अगर आप आज से 2-3 दिन पहले की न्यूज़ देखेंगे तो मिस्टर सुंदर पिचई और मिस्टर मोदी के बीच में एक बात हुई थी, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि सुंदर पिचई जी काफ़ी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया की इकोनॉमी को सुधारने के लिए, खासकर इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को सुधार करने के लिए। हो सकता है ये उसकी ही पहल हो और ये बहुत ही एक फ़ायदेमंद वाली बात होने वाली है। जो भी एक क्लाउड किचन के ऑनर है, एक रेस्टोरेंट के ऑनर है, या कोई छोटा मोटा जो हम लोग घर से भी अपना जो स्टार्टअप करते हैं, उन सब के लिए अब आप किस तरीके से गूगल फूड डिलीवरी में एंटर कर सकते हैं, किस तरीके से टाइप्स कर सकते हैं, मैं वो भी आपको सारी चीज़ें आगे बताता हूं इस वीडियो में। बाकी सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। अगर हम करंट सिनेरियो की बात देखें यहाँ पे, तो सिर्फ स्विगी और जोमैटो दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे कि हम लोग जाके खाना ऑर्डर कर सकते हैं उनकी ऐप या वेबसाइट के थ्रू, और जो उनके डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो हमारे घर पे खाना डिलीवर कर देते हैं। इससे पहले हमारी ऊबर ईट्स और हमारी फूड पांडा दो और कंपनियां भी थी जो कि बहुत ही अच्छा कर रही थी इंडिया में, पर वो किसी ना किसी तरीके से नुकसान में आके चली गई इंडिया से, इंडिया को छोड़ के, या इंडिया से उन्होंने अपनी जो फूड डिलीवरी की सर्विसेज है वो बंद कर दी। जब ये चारों प्लेटफॉर्म हमारे इंडिया में थे तो जो रेस्टोरेंट्स के मालिक थे, स्पेशली क्लाउड किचन में जिन्होंने कि लो बजट में अपना काम स्टार्ट किया था, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उस समय जो कमीशन्स थे वो काफ़ी कम होते थे। उस समय जो आप हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा देते हैं या कुछ भी सर्विसेज स्विगी और जोमेटो से हम लेते थे वो काफ़ी कम होता था। इवन जो कस्टमर था उनको भी काफ़ी बेनिफिट होता था। पर यहाँ पे जब हमारे उबर और हमारे जो फूड पांडा है मार्केट से निकल गए, तो जो मोनोपोली हो गई वो हमारी यहाँ पे जोमैटो और स्विगी की हो गई। और अब आप देखेंगे कि हमें लगभग 27% तक हर ऑर्डर पे पे करना पड़ता है क्लाउड किचन के ऑनर को, स्विगी और जोमैटो को, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक अमाउंट होता है। तभी आधे से ज़्यादा जो हमारे वेंचर क्लाउड किचन के फेल होते हैं। इसी चीज़ को भांपते हुए अमेज़ॉन ने अब स्टार्ट कर दी है अपनी फूड डिलीवरी, जो कि काफ़ी पहले की न्यूज़ थी, और इस समय वो बैंगलोर में 5 पिन कोड्स पे ऑपरेट भी करने लगे हैं। अब धीरे धीरे वो भी अपनी जो पूरी सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया फैलाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सारा का सारा नेटवर्क है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे गूगल की बात करें, आप देखेंगे कि गूगल में हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आप गूगल में जाके सर्च भी करते हैं कि रेस्टोरेंट्स नियर मी, अगर आप जस्ट, मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, तो आपके आजू बाजू के जो भी सारे रेस्टोरेंट्स होंगे उसमें नज़र आएंगे। इवन आप चाहे तो एक लंबी फहरिस्त उसमें से देख सकते हैं। आप उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाके इवन वहाँ की पिक्चर्स भी देख सकते हैं। और या फिर अगर आप दूसरा कुछ और सर्च करेंगे कि रेस्टोरेंट क्लाउड किचन नियर मी, मैं उसकी भी एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देखेंगे कि जो भी क्लाउड किचन आपके आजू बाजू में है वो सारे आपको वहाँ पे नज़र आने लग जाएंगे। तो ये जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म होगा वो इसी तरीके से काम करेगा। आप जहाँ भी हैं, आप अपने नियर की क्लाउड किचन रेस्टोरेंट, टेक अवे, या जो भी ऐसा बिजनेस है जो कि आपके गूगल पे लिस्टेड है, वहाँ पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ यही होगा, अभी सिर्फ आपको रेस्टोरेंट्स नज़र आता है, वहाँ की पिक्चर्स नज़र आती है, मेन्यू की फ़ोटो नज़र आती है, पर आप लोग ऑर्डर नहीं कर पाते हो। पर जब गूगल अपनी जो फूड डिलीवरी है वो स्टार्ट करेगा, यहाँ पे आपको मेन्यूज़ भी नज़र आने लग जाएंगे प्रॉपर तरीके में, जिस प्रकार से आपको स्विगी और जोमैटो पे नज़र आने लगते हैं। यहाँ पे जाके आप मेन्यू में से आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, टोटल उनका प्राइस जो भी बनेगा, आप जो गूगल का जो पेमेंट गेटवे है, गूगल पे का या किसी भी और तरीके का, जिस भी तरीके से इंटीग्रेटेड करते हैं, वहाँ पे जाके आप पे कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा फिलहाल काम करेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि है डुंजो कर एक और कंपनी है, जिसमें कि काफ़ी पैसा हमारे गूगल का भी लगा पड़ा है। जी हाँ, गूगल का काफ़ी पैसा इस पर लगा पड़ा है। मैंने एक पुरानी वीडियो डुंजो के बारे में बताई थी, तो ऑलरेडी उनका जो एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी है। अब ये डुंजो क्या है, डुंजो की भी एक ऐप है। चाहे आप एक सब्जी वाले हो, एक दुकान वाले हो, मेडिकल शॉप चलाते हो, आप एक टेलर हो, आप किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, तो आप अपने आप को डुंजो पे लिस्ट कर सकते हैं। अब ये डुंजो है जो एक स्पेशल, आप बोल दीजिए किसी कुछ ही जो स्पेसिफिक सिटीज़ में, इस समय हमारे दिल्ली के कुछ एरियाज़ में है, गुड़गांव के कुछ एरियाज़ में है, पर यहीं अगर हम लोग बात करें गूगल की, तो गूगल इनकी सर्विसेज भी यहाँ पे ले सकता है। और सेम मेरे कहने का मतलब है कि उनके पास ऑलरेडी सिस्टम्स हैं, या फिर वो किसी एक थर्ड पार्टी को भी यहाँ पे ला सकते हैं जो कि उनके लिए डिलीवरी करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास गूगल का उनका सब कुछ पहले से ही है।
अब यहाँ लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप घर से एक क्लाउड किचन चलाते हैं, घर से कोई छोटा सा बिजनेस करते हैं, चाहे आप बेकरी का काम करते हैं, अपने टिफ़न सर्विसेज देते हैं, या आपका ऑलरेडी क्लाउड किचन चल रहा है, तो आप किस तरीके से गूगल पे जाके अपने टाई अप्स कर सकते हैं इस समय भी। जी हाँ, आप इस समय भी जाके गूगल से टाई अप्स कर सकते हैं, पर यहाँ पे कस्टमर जो होगा वो डायरेक्ट आपको ऑर्डर कर सकता है, पर वो आपको सिर्फ टेलीफोन के थ्रू कर सकता है। वहाँ पे उसको कुछ ऐसे सिस्टम्स नहीं मिलेंगे, वही सिस्टम अभी गूगल बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, गूगल माई बिजनेस में यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। और आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने घर से जो भी बिजनेस चला रहे हैं, आपका टेक अवे है, आपका रेस्टोरेंट है, या आप मल्टीपल किचन भी चलाते हैं, वो सारी चीज़ों को, आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको गूगल माई बिजनेस, मैं दोबारा से यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, इस वाले ऐप में जाके भरनी होगी। यहाँ पे आपके क्लाउड किचन, रेस्टोरेंट, आपका टेक अवे, घर से बना हुआ खाना, जो भी कुछ आप चलाते हैं, वो सारी चीज़ें आप लिस्ट कर देंगे, अपनी टाइमिंग्स यहाँ पे डाल देंगे, अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। आप चाहें तो उसमें पिक्चर्स भी अपनी लगा सकते हैं। तो काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप वीकली किसी दिन ऑफ करते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप जो कि एक रेस्टोरेंट के बारे में देनी होती है, वो सारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब इससे होगा क्या, आप लिस्ट हो जाएंगे गूगल माई बिजनेस में, और ये कम्प्लीटली फ्री होता है, आप इसे जाके अभी ही कर सकते हो। इवन आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं, ऑनलाइन सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, चाहे वो फूड से भी ना हो, तब भी जाके आप यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद होगा क्या, लगभग 30 से 35 दिन के बाद आपके पास एक पिन नंबर आता है। जी हाँ, 4 डिजिट का एक पिन नंबर आता है। तो और आपको उस पिन नंबर को जाके सेम उसी समय पे, जब भी आपको आता है, तो सेम उसी लोकेशन पे जहाँ का एड्रेस आपने डाला है, वहाँ पे आपको उसको आपको डालना पड़ता है अपने गूगल माई बिजनेस पे। उससे कन्फर्म हो जाता है जो भी आपका बिजनेस है वो उस करंट लोकेशन पे है। इससे आपका जो गूगल माई बिजनेस वो कंफर्म हो जाता है, और वो और ज़्यादा विजिबल होने लग जाता है कस्टमर को। तो यहाँ से अगर आप इस तरीके से अगर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तो वो जो कस्टमर है, डायरेक्ट आपने जो फ़ोन नंबर दिया है, फ़ोन नंबर के थ्रू आपको खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इसमें आपके फ़ोन नंबर भी दिए हुए होते हैं। तो इस प्रकार से आप अभी इस समय भी कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें जो लगभग 30 से 35 दिन लगते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग, हमारी गूगल्स की पेमेंट आती है मेरी, तो वो एडसेंस के थ्रू ही आती है। क्योंकि जब जब मेरा हमारे चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, तो हमें वो एक एडसेंस का पिन भेजते हैं हमारे घर के एड्रेस पे। तो सेम उसी तरीके से जब आप एक गूगल माई बिजनेस का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, और अपने आप अपनी एक आइडेंटिटी बिजनेस के तौर पे गूगल में रजिस्टर करा देते हैं, तो आप एक बिजनेस के तौर पे गूगल के साथ काम करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी जो आइडेंटिटी है, अपने क्लाउड किचन की हो गया, चाहे रेस्टोरेंट, टेक अवे, या मल्टीपल क्लाउड किचन की आइडेंटिटी गूगल पे बना सकते हैं, और अपने एडसेंस जो एड जो पिन है हमारे जो एडसेंस के पिन के थ्रू अपनी लोकेशन को कंफर्म करा सकते हैं। और फ्यूचर में जो भी होगा, तो आपके पास बिजनेस तो आएगा ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप करंट सिनेरियो में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिस प्रकार से अमेज़ॉन हमारे इंडिया में आ चुका है, सेम मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी गूगल भी आए, और जो भी हमारे जो छोटे काम करने वाले लोग हैं, जो कि अपने घर से कुछ चलाते हैं, अपना एक लाख में, 1.5 लाख में अपना बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं, अपने क्लाउड किचन का, टेक अवे का, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि यहाँ पे स्विगी और जोमेटो की बहुत ज़्यादा मोनोपोली हो चुकी है। आपके पास क्लाउड किचन से रिलेटेड कुछ भी अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे नीचे लिख सकते हैं, या फिर मैंने अपना नंबर, व्हाट्सअप का नंबर दिया होता है हमेशा अपनी हर वीडियो में, वहाँ पे भी जाके आप व्हाट्सअप पे मुझे जो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, या मेरी राय या मेरी गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिल लेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।